अब इसमें लगेंगे 1200 के दो। जल्द अपनी वैगनार में बहुत ज्यादा मस्त चीज आने वाली है, क्योंकि तो हर किसी का बजट नहीं रहता है और बजट सेगमेंट मिड रेंज। तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको ब्रेजा में सेटअप लगता हुआ दिखाऊंगा भाई, जो भी लगेगा। ये 2000 आरएमएस की पेटी भी अंदर रखी थी, उसके पहले के शॉट दिखा दो, तो अपना वो व्लॉग मतलब थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, तो अब देखो उसके बाद मैं आपको सारी चीजें तरीके से बताता हूँ एक एक करके। तो भाई यहाँ पे बी ए की टेस्टिंग हो रही है जो की 2000 आरएमएस है। देखो ठीक भाई, सिंगल वो फरता आतंक उठा रहा। अरे हमारा तो एक ही बहुत है। और अभी तो यहाँ भी रखा है कुछ, अभी दो लगेंगे ऐसे। एक ऐसा बज रहा है, दो कैसे बजेंगे? अभी ये है भाई, कितना अपना 2000 आरएमएस का है भाई, अभी 2000 आरएमएस का है ना, बहुत तगड़ा है। अभी देखो ये पन्नी भी उड़ेगी, शीशा देखो, पूरी गाड़ी देखो, ये देखो, बंद करो शीशा, बंद करो भैया इनका। प्रतीक भाई, हाँ एक नॉलेज दो, अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो ये ऊपर दिखा दिया भाई। अब बताओ, अब इसमें लगेंगे 1200 के दो। 1200 हाँ, ये सिंगल 2000 था, ये सिंगल 2000 आरएमएस, और अब लगेंगे 1200 आरएमएस के दो जो कि यहाँ पे रखे हैं। तो भाई ये कैसा, मतलब अपने वूफर टेस्टिंग पे था ये टेस्टिंग पे था फिलहाल। अच्छा, ये इसमें अभी भी अपग्रेडेशन बाकी है अभी इतने भाई, मतलब लाउड होने के बाद भी भाई अभी। हाँ यहाँ पे हमारे रोहित भाई अभी से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, रोहित भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी अभी रिव्यू लेंगे, बाकी काम होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी खोल रहे हैं इसे, है ना भाई? हाँ, ये पोटी खोल के, ये वाली पेटी जो है ना, ये चलिए ब्रीजा में, उसमें बीट में, बीट में जो अपने प्रतीक भाई की है। हाँ, और इसके लिए, हाँ मोड़ने से, और इसके लिए भाई नई पेटी यहाँ पे रखेंगे ऊपर, ये रहे, ये रही भाई पूरी नई पेटी जो कि अपने 1200 के दो लगेंगे ट्यून्ड पेटी के साथ, और यहाँ पे ये रहे दोनों ऊपर देखो। तो हमारे साथ आ चुके हमारे रोहित भाई जो कि अपने बल्क ऑडियो जो ब्रांड है, जो वूफर हम चलाते हैं, उनके ओनर। तो सबसे पहले रोहित भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो भाई ये बताओ, अभी इसमें 2000 आरएमएस की पेटी रखी हुई थी, बिल्कुल एकदम ट्यून्ड, एकदम तगड़ी वाली, है ना? बहुत मजा आया भाई सुन के, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स हम सब ने देखा, ऑडियंस ने भी देखा। तो भाई अब इसमें क्या होने, आप ये बताओ। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 1200। अच्छा, 2 1200 डलने वाले हैं, तो भाई उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दो, जो अपने पहले जो डले हुए थे और जो अब डलेंगे उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? जो हमारे पे अभी 2000 आरएमएस डला हुआ था वो 220 की 4 मैगनेट। अच्छा, जो हमारा 2000 आरएमएस अभी 1200। अच्छा, अब 1200 में, 12 इंच में ही अपने 1200 दो। हाँ, वो अपडेट हो रही है। अच्छा, अपडेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो, पहले वाले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा जो हमने टेस्टिंग पे था। अच्छा, हमारा टेस्टिंग पूरा हो गया है, थोड़ा अपडेट है वो करेंगे फिलहाल, अभी हम भैया को 2 1200 दे रहे हैं। तो भाई मजा आ जाने वाला है। रोहित भाई ने मौत कर रखी, मौत कर दी भाई, तगड़ी वाली, बढ़िया चाहिए भाई। ये बताओ वैसे ना, इसमें जब वो 2000 आरएमएस वाली सेटअप वाली वीडियो बनाई थी ना, तब इसमें कुछ दूसरी बैटरी थी, आज कैसे दूसरी? भाई देखो, मैंने करा मांग मांग के था। हम तो साफ बोलते थे, पहले गौरव भाई की बैटरी थी, एम था, साफ बोलो सुखी रहो, साफ बोलो सुखी रहो। एक दिन ऐसी रोहित भाई की बैटरी उठाने बोलने का सेट हो जाता अपना, तो भाई लेकिन मैंने अब रॉकेट खरीद ली अपनी। अच्छा, अब वो लग जाएगी, परमानेंट हो जाएगी वो खरीद ली, मतलब आपने बैटरी, ये भी खैर अपनी है भाई, ये अब सिस्टम जब उन्होंने निकाले रखा है तो पड़ी रहती है, ये भी सही बात है। 8-10 हज़ार फंस जाते, वो कह रहे भाई तू ले ले पड़ी है। अच्छा, क्योंकि बैटरी रखी रखी खराब भी हो जाती है ना भाई, उसमें मेरा फायदा नहीं है, वो भाई का फायदा, जिसकी बैटरी है। देखो हमारी तितली आ गई, तितली ये देखो, और ऋषभ भाई गाड़ी आ चुकी है, बेस तगड़ी तगड़ी, अब देखना इसका सिस्टम बजेगा तगड़ा। देखो मैं आपको अभी ऊपर दिखा देता हूँ, खोलो भाई गेट खोलो,
का पूरा पूरा भाई ये वो बेस है जो -15 पे भी इतनी आ रही है। हाँ -15 से और गेन है मुश्किल से 25 या 30। हाँ वो तब भी इतना तगड़ा। मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा वो हमारा ये बूफर जो लगा हुआ है वो उसमें 0.5 ओम पे। अच्छा मोनो पे 1500 पे वो इसीलिए इतनी कम गेन पे पीक पावर दे रहा है। बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा कर देते हैं ना तो फिर मैटर खराब हो जाता है फिर बैटरी मांगने लगता है। इसलिए करता है ना 0.5 ओम पे है जो उसकी एक्चुअल पावर है मोनो की वो पूरी ही दे रहा है वो 25% गेन। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे बैटरी की इंस्टॉलेशन हो चुकी है जो कि रॉकेट की लग गई है। तो यहाँ अपने दोनों ऊपर की वायरिंग हो चुकी है अच्छे से। देखो अब ये वाला भी इधर रखा जाएगा और दोनों हो जाएंगे बिल्कुल टाइट। और टाइट करेंगे मिस्टर बैसला। ये हो गया सेट। देखो उठाया जाएगा। बहुत भारी ना भाई। भारी का इलीगल था सारा जल्दी से। वैसे भाई कितने का होएगा राउंड राउंड कितने किलो का होएगा एक ऊपर? 15 किलो से ऊपर का। 15 किलो से ऊपर का भाई एक ऊपर पेटी हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा भारी। 50 पार बिना नट लगाए ऐसे उठा के तेरी तो नहीं उठेगी भाई। हिल भी नहीं रहा उठने की दूर की बात। नहीं भाई मैं सिर्फ वूफर की बात कर रहा हूँ ना अभी लगाया का है। तो भाई ये एक बार सही से फिट हो जाए फिर बताता हूँ मैं सारा कुछ और दिखाता हूँ जब गाड़ी में लगेगी। यहाँ पे आ रही है भाई अपनी पेटी। बहुत ही ज्यादा भारी है। 3-3 बंदे उठा रहे देखो आराम से भाई। बहुत ज्यादा भारी होगी है। नहीं भाई वो वाली मजाक की बात थोड़ी है। ये देखो सही से लग जाएगा फिर दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे पेटी भी लग चुकी है यहाँ पे वायरिंग भी हो चुकी है। अब लास्ट फाइनल आउटपुट सुनते हैं भाई। अब आउटपुट सुनेंगे। टेस्टिंग चल रही है उसके बाद मैं फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ जैसे अपने बूफर सही से बजेंगे। इसकी पूरी सेटिंग हो चुकी है। अब ये ब्रीजा निकल रही है और भाई वो बीट लग रही है अंदर जो प्रतीक भाई की उसमें भी सेम वूफर 1200 RMS का जो सेम वूफर है वो लगेगा बीट में सिंगल पेटी। उसके बाद मैं दोनों गाड़ियों का आउटपुट आपको लास्ट में सुना दूंगा क्योंकि वीडियो वैसे भी छोटी सी बनी है अभी तो तब आएगा असली मजा। पर भाई रोहित भाई मजा आ गया कदम से मतलब अंदर वो जो पूरा ऑफिस है वो ऐसे ऐसे हिल रहा कहाँ पर आ पूरा मजा आ गया। बाकी फाइनल आउटपुट सुनाऊंगा थोड़ी देर में। देखो क्या लगती है क्या भाई बीट में लगने वाला। हाँ ये बीट में लगने वाला है ये मैंने दिखा दिया। तो भाई इसमें भी अपने जो 1200 RMS की पेटी है वो भी लग चुकी है और गाने भी बज रहे हैं जैसे कि आप सुन ही रहे हो। देखो मतलब कितनी पूरी तरह हिल रही है भाई गाड़ी। देखो मजा आ गया। एक बार वूफर भी दिखा देता हूँ अंदर से। ये देखो यहाँ पे बीट का तो मैंने ऑडियो आपको सुना दिया जो भी चेंज हुआ है मैंने आपको दिखाया कि 1200 RMS लगा है और ब्रेजा का मैं भी सुना ही रहा था। इतने में भाई ने बोला हमारे में देखो जाके मैं नहीं सुनाऊंगा तेरे में हमारे हमारी चीज है। सबको ही पता है चैनल का नाम प्रतीक बैसला के नाम से। भाई के मैं सुन लेना भाई सुनाने दे रहे अभी। तो चलो दिखाओ 8:30 हो गए तो अभी आपको फाइनल में एक बार भाइयों से रिव्यू लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं वीडियो का। सारे भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अब एक एक करके रिस्पॉन्स पूछते हैं। सबसे पहले अपने प्रतीक भाई से हम पूछते हैं भाई बताओ भाई वो समझ लो मैं तो एंड चलाता हूँ ठीक है नहीं पूछते भाई आप बताओ बढ़िया बज रहा है ज्यादा बढ़िया बज रहा भाई आप बताओ जो की ओनर है बलगोड़ी हो रोहित भाई उनसे तो हम देखो क्या ही पूछो उनका ब्रांड है। और बाकी तो हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत जल्द अपनी वैगनार में बहुत ज्यादा मस्त चीज आने वाली है क्योंकि भाई हर किसी का बजट नहीं रहता है वूफर वगैरह परचेस करने का। भाई देश के ऊपर सोच रहे बनाने की और बजट सेगमेंट मिड रेंज मिड लोगों ने हवा बना रखा ना कि मिड महंगी आती है। हमारे पास कुछ महंगा नहीं है भाई हमारे पास बात है कि स्पीकर वगैरह छोड़ो मिड पे आओ अपना अपना बजट है अपना अपना टेस्ट है।
अरे गाड़ी को नीचे भाई मिड वोट, क्योंकि वो ट्रबल नहीं मारता तो उसके लिए वो कंपोनेंट है उसका ट्यूटर साथ आता है। तो ऐसा नहीं है कि बंद करते, मेरी कोई बंदा बात पकड़ लेगा भाई वो तो बेड़ी बेड़ लगाते हैं, ऐसा नहीं है। हर तरीके का, हर तरीके का कस्टमर भाई, किसी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास आ सकता है। बाकी छोटा मोटा सेटअप हमारा 24 घंटा लगे रहता है। इधर देखा भाई, बाकी वीडियो को एंड करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आने वाली वीडियो में आप लोगों को बजट में भाई ऑडियो सेटअप मिलेगा। वैसे अभी भी है पर बजट में भी आपको बहुत एंड मिलने वाला है वो वाला। तो बजट तो हम तो कस्टमर से पूछ लेते हैं ना भाई कि 30,000 40,000 50,000 या 1,00,000 है, उसका कोई देखो सिस्टम का कोई एंड नहीं है भाई। 10,000 से भी स्टार्ट हो जाता है, 1,00,000 तक भी जाता है। सीधी सी बात। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करवाते हैं प्रतीक भाई से। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय बाबा।